हेलो गाइस, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो जो है हमारी होगी सिलेबस के ऊपर। जब भी कोई एग्ज़ाम आता है या जब भी हम कोई एग्ज़ाम देते हैं, तो सबसे पहले हमें उस एग्ज़ाम के बारे में पता होना चाहिए कि उसका पैटर्न कैसा है, उसका एग्ज़ाम कैसे आता है, उसका सिलेबस क्या है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट ने HP पुलिस की जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दी थी, तो अभी जो है इसकी डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, पर हमें जो अपनी तैयारी जारी रखनी है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसका कैसे कैसे ये पेपर होता है, क्या कौन कौन सी हमें बुक फॉलो करनी चाहिए और हमें इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। सो आज की वीडियो हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। सो लेट्स गो। सो सबसे पहले जो है हमारा पता होना चाहिए कि हमारा जो स्टेजेस है एग्ज़ाम की, जो हमारा HP पुलिस का एग्ज़ाम है, उसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। तो सबसे पहले चार स्टेजेस होती हैं हमारी। सबसे पहले होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। जो बच्चे इसमें स्टैंडर्ड फिजिकल टेस्ट को, मतलब जो हमारे फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई करके आते हैं, वो ही बच्चे जो हैं हमारे रिटन एग्ज़ाम को दे सकते हैं। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है और अवार्ड ऑफ मार्क फॉर सर्टिफिकेट्स, मतलब ये आपका एक तरह का इंटरव्यू होता है जिसमें आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। तो जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है उसमें उसके आपके 5 मार्क्स होते हैं, उसमें आपकी हाइट नापी जाती है, इसमें कि आपकी कितनी रेस होती है, कितना आप उसमें जंप करते हो, ब्रॉड जंप होता है, हाई जंप होता है, वो सब देखा जाता है इसमें। इसमें फिर आपका एक क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट होता है। फिर आपका जो मेन होता है वो होता है रिटन एग्ज़ाम। सो रिटन एग्ज़ाम जो होता है आपका 80 मार्क्स का होता है और 15 मार्क्स की आपकी होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। टोटल मार्क्स कितने हो गए आपके? 100 मार्क्स। 5 नंबर का आपका जो फिजिकल टेस्ट होती है जिसमें रेस होती है वो, रिटन एग्ज़ाम 80, 85 और प्लस 15 डॉक्यूमेंट, तो टोटल कितना हो गया आपका? 100 मार्क्स। अब देखना ये है जो कैंडिडेट PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट स्टेज को क्लियर करते हैं, वही बच्चे जो हैं अपीयर होते हैं किसमें? रिटन एग्ज़ाम में। अब जो हम देखेंगे इसमें कि रिटन एग्ज़ाम का जो सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न वो कैसा है, तो ये रिटन एग्ज़ाम का जो है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और क्या है उसमें, ठीक है। तो देखिए आपको जो है सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, उस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस कितने आएंगे, आपके मार्क्स कितने और एग्ज़ाम ड्यूरेशन क्या है। सो सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो मार्क्स एग्ज़ाम ड्यूरेशन है वो कितने मगी है, 1 घंटे का पेपर होगा, मतलब 1 आवर का पेपर होगा, यानी आपके पास 60 मिनट्स होंगे, ठीक है। और कितने क्वेश्चन आएंगे आपको? 80 क्वेश्चन आएंगे और 1 क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा। सो राइट, तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? सबसे पहले आपको आएगा हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश, जनरल अवेयरेंस, मैथमेटिक एंड साइंस, रीजनिंग एप्टीट्यूड। सर और देखो 5 सेक्शन हैं आपकी, हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, साइंस, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ठीक है। ये आपका एक जो है जनरल पैटर्न है एग्ज़ाम का, जो कि हर एक एग्ज़ाम में जो होते हैं ये सब्जेक्ट्स आते हैं। सो इसके लिए ही हमने, आपकी तैयारी के लिए ही हमने एक बैच शुरू किया है, एक जनरल बैच शुरू किया है जिसमें जो हम आपको ये सब पढ़ाएंगे, ठीक है। एक हमने जनरल बैच शुरू किया है जिसमें हम आपको ये सब सब्जेक्ट्स पे पढ़ाएंगे, हिंदी भी पढ़ाएंगे, इंग्लिश भी पढ़ाएंगे। जनरल अवेयरनेस में देखो क्या क्या आएगा, HP का GK, इंडियन GK, फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ आएगा, मैथमेटिक्स, साइंस, जो साइंस होती है आपकी और मैथमेटिक्स वो एक लो लेवल की आती है, मतलब 10th लेवल की आती है, तो हाई लेवल की नहीं आती, मतलब एक जनरल सी आती है, ठीक है। रीजनिंग एप्टीट्यूड, उसके लिए हमने एक जनरल बैच शुरू किया है जिसकी फ़ीस सिर्फ 1200 है पर मंथ, ठीक है। तो आप जो है इसके साथ साथ HP पुलिस की तैयारी तो आपकी हो ही रही हो इसके साथ, पर आपकी जो और टेस्ट है, जैसे आपका HPG हाई कोर्ट का क्लर्क है, आपका HPG के भी से बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, आपका हाई कोर्ट क्लर्क का पेपर आएगा, उसके लिए भी जो ये जनरल जो सब्जेक्ट है वो सब होते हैं। तो हमने एक जनरल बैच शुरू किया है जिसकी फ़ीस केवल 1200 है, तो आप जो हैं जल्दी से जल्दी जो है अपने आप को इनरोल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही जल्द जो है हम ये बैच लॉन्च करने वाले हैं, तो इसकी बहुत सारी लिमिटेड सीट्स होंगी, ठीक है। आपको इसमें हम लाइव क्लासेस देंगे जो आपकी जूम और गूगल मीट पे जो आपकी क्लासेस लगेंगी, तो मैं आपको एक नंबर दे रही हूँ, आप जल्दी से जल्दी इस नंबर पे व्हाट्सएप पे या कॉल करके या मैसेज करके जो खुद को इनरोल कीजिए, ताकि जो है आप हमारे इस जनरल बैच का लाभ उठा सके और हम क्वालिटी जो है आपको प्रोवाइड करेंगे
जो हर एक टेस्ट के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। HP पुलिस के लिए तो वो इंपॉर्टेंट होंगी होंगी, पर साथ साथ में जो आपके दूसरे टेस्ट हैं उसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। उसमें हम आपको कंप्लीट जो है आपका सिलेबस उसको भी करवाएंगे, साथ में आपको बताएंगे कि आपको कैसे पेपर करना है, कैसे एग्ज़ाम करना है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके 80 क्वेश्चंस आएंगे तो हम 80 क्वेश्चंस के ऊपर आपको फुल जो है तैयार करके भेजेंगे कि हर एक टॉपिक हर एक पोर्शन से कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं और एग्ज़ाम कैसे आता है। तो आप जल्दी से जल्दी इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके खुद को इनरोल कर लीजिए, ठीक है। सो आगे हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। अब देखिए इंग्लिश जो है ग्रामर आता है आपका, पर ग्रामर जो है बहुत वाइड है, ठीक है। इंग्लिश का ग्रामर बहुत बारी, देखिए अब इसमें आर्टिकल, वोकेबलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, टेंसेस, एडियोम फ्रेसिस, देखिए स्पेलिंग्स भी आती हैं कि आपको बताने की, कुछ स्पेलिंग्स दी होंगी चार, उसमें से बताने की कौन सी करेक्ट स्पेलिंग्स है। तो इसके ऊपर भी हम आपको पढ़ाएंगे वर्ब्स के प्रेपोजिशंस क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स क्या आपको आ जाता है, इसमें भरिए कि इसमें दा आएगा, ए, एन, जो भी आता है, वुड, शुड, जो है कौन से आएंगे वो आएंगे, रीडिंग कंपैरिजंस आते हैं, मतलब पैसेज आएगा उसमें से आपको छान के लिखने, ठीक है। तो मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगी कि आप कौन सी बुक जो है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए पढ़ सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर के लिए पढ़ सकते हैं। देखिए अब इंग्लिश ग्रामर तो बहुत वाइड है, बहुत ज़्यादा वाइड है, पर आप जो है जो मेन बुक है इंग्लिश की वो कौन सी पढ़ने से, ल्यूसेंट की आता है एक इंग्लिश ग्रामर, और साथ में अरिहंत की आती है एक इंग्लिश ग्रामर की बुक है ये, ठीक है। तो आप जो हैं वैसे तो देखिए आप इंग्लिश ग्रामर इतना वाइड है कि आप किसी एक बुक से पढ़ के जो है ये पूरा नहीं होता है, पर मैं जो हमें लगता है कि अच्छी बुक्स हैं वो ल्यूसेंट और अरिहंत की बुक्स हैं, जिसमें इंग्लिश ग्रामर की बुक है उसमें जो है अच्छा मटेरियल दिया हुआ है इन सब चीज़ों का, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, राइट, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैथ्स एंड साइंस। देखिए मैथ और साइंस जो है एक 16 क्वेश्चन है, तो हो सकता है कई बार 8 क्वेश्चंस मैथ से हैं, 8 क्वेश्चन साइंस से हैं, या तो ज़्यादा भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें देखना क्या क्या है, देखो नंबर सिस्टम है, फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, रेशो, प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए अब मैं मैथ्स के लिए जो है कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है, क्योंकि मैथ्स जो है जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितने आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगे, उतना ज़्यादा ही आपको जो है मैथ्स के बारे में पता चलेगा। आपको ये नहीं बोल सकते कि आप ये बुक लो जी हाँ जी यहाँ से पढ़ लो, ऐसा नहीं है। मैथ्स के लिए आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चंस करोगे इन सब के, तो वही आएगी। अब ये देखिए जो सिलेबस है मैथ्स का वो अप टू 10th तक है, कि जो आपका 10th तक का मैथ है, 6th से लेके 10th तक की जो मैथ्स बुक है उसमें से है, आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये सब है, देखो अब ये जो है हमारा टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, मेंसुरेशन, मिक्सचर, ये सारे कौन से हैं मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, मैथ्स के टॉपिक हैं। देखो अब बायो से, मतलब साइंस से क्या आते हैं, साइंस से ये ही नहीं आते। देखिए अब आते हैं बायोलॉजी, लॉ ऑफ फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री के क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, इसके लिए भी कोई पर्टिकुलर बुक नहीं पढ़ सकती। अब देखिए बायो के लिए अलग बुक होगी, फिजिक्स के लिए अलग बुक होगी, केमिस्ट्री के लिए अलग बुक होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए अलग बुक होगी, ये तो इसके लिए जो हम कोई पर्टिकुलर एक बुक नहीं पढ़ सकते हैं। इसके लिए भी आपको जो है 6th से लेकर 10th तक जो साइंस की बुक्स हैं NCERT की, वो पढ़ सकते हैं आप, कोई पर्टिकुलर एक बुक नहीं पढ़ सकते ना हम इसके लिए भी, क्योंकि बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये सब जो अलग अलग जो हैं साइंस के ही पार्ट हैं पर अलग अलग टॉपिक्स हैं, तो इनके लिए जो अलग अलग बुक्स होंगी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जनरल अवेयरेंस। जनरल अवेयरेंस देखिए, जनरल अवेयरेंस में क्या क्या है, इसमें आपको ये नहीं जनरल अवेयरेंस में कि आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर हिमाचल का ही या इंडिया का है, नहीं, नेशनल जो करंट इवेंट्स होते हैं, करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस क्या है हिमाचल प्रदेश का, इंडिया की, देखो अब हिस्ट्री भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी, सोशियो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन भी आएगी, एब्रीवेशन आएगा, बजट क्या है, डेज कौन कौन से होते हैं इंपॉर्टेंस डे, कि जैसे आपको पता है 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे, हाँ इतने ईजी नहीं पूछेंगे, पर जो हाँ इंपॉर्टेंस डे जो हैं वो भी आपको आते हैं, एक हर आप देखना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी टेस्ट उठा के देख लो आप, कम से कम एक या दो क्वेश्चन जो होते हैं डेज के ऊपर पूछे ही होते हैं, कोई भी पेपर देख लो एक या दो क्वेश्चन जो होते हैं इंपॉर्टेंस डेज के ऊपर होते होते हैं। अवार्ड से भी क्वेश्चन आता है कि आज नेशनल अवार्ड किसको मिला, फिल्म फेयर अवार्ड किसको मिला, ऑस्कर अवार्ड किसको मिला, अर्जुन अवार्ड किसको मिला, भारत रत्न किसको मिला, इसके ऊपर भी आते हैं। स्पोर्ट्स के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो क्रिकेट के ऊपर ही क्वेश्चन नहीं आते, सारे जो भी स्पोर्ट्स होते हैं, फुटबॉल, हॉकी, सब स्पोर्ट्स से जो क्वेश्चन आते हैं बुक से, कि कौन सी बुक किसने लिखी है, हिमाचल के राइटर भी आते हैं,
प्लस इंडिया के राइटर्स भी पूछे जाते हैं। और न्यूज साइंस है, अब साइंस जो न्यूज़ में है कि जी किसको आजकल नोबेल प्राइज़ किसको मिल रहा है, कौन से फील्ड में किसको नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक है, कौन सी जो अच्छी सी इन्वेंशन हो रही है, डिस्कवरीज होती है, वो सारी आ जाती हैं साइंस के ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए भी अब हम बोल नहीं सकते। हाँ, मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि हिमाचल जीके के लिए जो आप बुक लिख सकते हैं आकाश की, आकाश पब्लिकेशन की आती है एक, उसको बोलते हैं हिमाचल दर्पण, आप वो पढ़ सकते हो, ठीक है, जो उसका जो हिमाचल का जीके होगा उससे हम कंप्लीट कर सकते हैं। इंडियन जीके के लिए हम भारत दर्पण पढ़ सकते हैं, वो भी आकाश पब्लिकेशन की ही होती है, ठीक है। पर अब ये नहीं हम बोल सकते कि जो बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं जनरल अवेयरनेस के भी, वो भी इनमें कवर होते हैं। इनके लिए हमें बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत सारे जो हैं क्वेश्चंस लिखने पड़ते हैं, तभी जो है हमें एक अच्छा वैल्यूएबल मटीरियल मिलता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा कौन सा टॉपिक है, तीन टॉपिक हो गए हमारे, नेक्स्ट है हमारे पास हिंदी। अब हिंदी भी जैसे इंग्लिश की थी वैसे ही अब हिंदी के पास है, कि हिंदी में भी जो है सारे आते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन की आपको गलत दिए होंगे, वही जो हमने ऊपर पढ़ा था स्पेलिंग के गलत अक्षर दिए होंगे उसके हमने बताना कि कौन सा है। मास आते हैं इसमें, मुहावरे आते हैं, पर्यायवाची शब्द आते हैं, विलोम शब्द आते हैं, देखिए जो सब कुछ आता है इसमें, प्लूरल वर्ब फॉर्म्स आती हैं। कि आपको दिया होगा कि मान लो आपको कुछ ऐसा शब्द दिया होता है, उसको बताना होता है कि इसका प्लूरल में क्या है, मतलब इसका बहुवचन क्या है, एक वचन नहीं होता है, बहुवचन बताना होता है। सो अब के लिए अब देखो इसमें सब क्या है, ग्रामर है। अब ये नहीं हम बोल सकते कि हिंदी का ग्रामर छोटा सा तो नहीं, आपको पता बहुत वाइड है हिंदी का ग्रामर, तो उसके लिए भी जो है अगर हम चाहें तो हम 6 से लेकर 10 तक का जो हिंदी का ग्रामर होता है उसको पढ़ सकते हैं, राइट। हिंदी का ग्रामर जो हम इसमें जो है पढ़ सकते हैं, किसका, 6 लेके 10 तक, उसमें जो होता है, हाँ हमारा मैक्सिमम जो सिलेबस होता है वो कंप्लीट हो जाता है इसके लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है रीजनिंग। अब देखिए रीजनिंग से भी आपको 16 क्वेश्चन आते हैं, 16 क्वेश्चन आएंगे इसमें से भी। अब देखो इसमें क्या क्या होता है कि मिरर मेज होती है, अब कि आपको यहाँ पे कोई दिया होता है और बताना पड़ता है कि जो यहाँ पे है जो इसकी तरह मिरर इमेज कौन सी है, राइट। सो नेक्स्ट अल्फाबेटिक सीरीज आएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग आएंगे, अरेंजमेंट आएंगे, ब्लड रिलेशंस में भी आते हैं कि ये इसका भाई है, इसकी बहन है, तो इसका क्या हुआ, इसका इसके साथ क्या रिश्ता हुआ, राइट। नेक्स्ट हमारे पास देखिए अब क्लॉक और कैलेंडर है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारा क्लॉक और कैलेंडर है इससे बहुत क्वेश्चन जो हैं आते हैं, विजुअल मेमोरी के ऊपर भी आते हैं, डायरेक्शन के ऊपर भी आते हैं, कि मान लो कि आप चार लोग बैठे हैं, आपकी इस साइड ये बैठा है, इसके साइड ये बैठा है, इससे साइड ये बैठा है, ये बैठा, बताओ तो बीच में कौन सा है, ठीक है। नंबर सीरीज भी आते हैं, डिसीजन मेकिंग से भी आपको क्वेश्चन आते हैं। सो ये थे हमारे जो सिलेबस था इसका, HP पुलिस का, तो बहुत जल्दी जो है इसकी नोटिफिकेशन हो जाएगी और आपका जो है एग्ज़ाम जो है मे बी कभी भी हो सकता है, जैसे ही नोटिफिकेशन हो सकता है एक महीने के अंदर भी हो जाए, दो महीने के अंदर भी हो जाए, तो आप जो अपनी तैयारी शुरू रखिए। और सिलेबस सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप कोई भी टेस्ट दे रहे हैं तो आप उसको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है उसका, सिलेबस जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ के लिए। और दूसरा होती है आपकी तैयारी, और तीसरा होता है कि आपका के पास मटेरियल कौन कौन सा है। सो आप जो हैं हमारे उस जनरल बैच में इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि हम जनरल बैच में ये पाँचों सब्जेक्ट ही आपको फुल क्वालिटी के साथ जो है प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको असाइनमेंट भी मिलेंगी, उसमें हम आपकी 1-to-1 इंटरेक्शन भी होगी, मतलब जो भी टीचर होगा आप उसके साथ जो है इंटरेक्ट कर सकते हो कि आपको किस टॉपिक में दिक्कत है, या आपको कौन सा टॉपिक ज़्यादा समझ नहीं आया, आप उसको फिर से पूछ सकते हो, ठीक है। और फीस जो हमने बहुत कम रखी है, 1200 रुपये पर मंथ फीस है इसकी, ठीक है। तो आप जो है, मैं फिर से नंबर दे रही हूँ आपको, आप जल्दी से जल्दी जो है इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके खुद को इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत ही जल्द जो है इसका बैच जो लॉन्च करने वाले हैं। और जो भी बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं, इस एग्ज़ाम को लेके सीरियस हैं, तो आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर सकते हो, क्योंकि करना चाहिए आपको, इस टाइम पे ही अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि गवर्नमेंट कब जो है इस एग्ज़ाम की डिक्लेरेशन कर दे। और ये टेस्ट या तो विद इन मंथ भी हो सकता है, विद इन 2 मंथ भी हो सकता है, या डिले भी हो सकता है, पर आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, ठीक है। अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे भी ध्यान दीजिए, अपने फिजिकल टेस्ट के ऊपर भी ध्यान दीजिए, और जो रिटन एग्ज़ाम है उसके ऊपर तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो आप जल्दी से जल्दी जो है इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके खुद को इनरोल कर लीजिए, फीस बहुत ही कम है, ठीक है। तो आपको इससे बहुत फ़ायदा भी होगा,
क्योंकि आपकी HP पुलिस की तैयारी तो होगी होगी इसी बैच में आके, पर जो आपके अलग टेस्ट हैं जैसे और एग्ज़ाम्स हैं आपके, जैसे कि आपका हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम है, और भी कई सारे एग्ज़ाम होते हैं जिनका सिलेबस देखना आप मैक्सिमम सेम ही होता है। पटवारियों का टेस्ट एग्ज़ाम आएगा, उसका जो सिलेबस है वो भी मिलता जुलता ही, हाँ कुछ चेंजेस होते हैं पर मिलता जुलता ही होता है, मैक्सिमम सिलेबस जो होता है हर एग्ज़ाम का एक जैसा होता है। तो आप जल्दी से जल्दी अपने आप को इनरोल कर लीजिए। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत वैल्यूएबल होगी। जो मैंने आपको बुक्स बताई आप उनसे भी पढ़ सकते हो, हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक है तो आप उनको भी पढ़ सकते हो, ठीक है। सो मैं आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रही होगी। और जब भी आप कोई एग्ज़ाम देते हो तो सबसे पहले आप उसका सिलेबस देख लिया करो, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।